और ब्रेक के बाद अगली खबर है। केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा मानगो गांधी घाट में वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई गई, जिसमें पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। मानगो गांधी घाट में केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई गई एवं उनके योगदान को स्मरण किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने कविता भी पेश किया और उनका जीवन गाथा को कविता के रूप में गाया। इस मौके पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने संबोधन में वीर कुंवर सिंह के अलावा तात्या टोपे और मंगल पांडे का भी जिक्र किया। नहीं अंगारा है वतन परस्तों का लहू, लहू जग तीर तलवारों से श्रृंगार बुझाए करती जिनकी खड़ग तीर तलवारों से। चाहे वो हिंदुस्तान का, हम जरूर ये कहते हैं कि सिपाही विद्रोह से हिंदुस्तान की आजादी का सबसे पहला स्वरूप वहां से छिड़ा था, जब मेरठपुर में बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह किया और उसको फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। और ठीक उसके बाद उसी समय नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह आदि आदि लोगों ने मिलकर, देशभक्तों ने मिलकर इस आजादी की उस चिराग को मसाल का रूप दिया। हम सभी लोग जानते हैं कि इस आजादी की जंग में न जाने कितने वीरों ने, सूफियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, देशभक्तों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमने का काम किया, हंसते हंसते सीने पर गोलियां खाने का काम किया, सुहागिनों ने अपने मांग के सिंदूर को पहुंच डाला, हंसते हंसते लोग फांसी के फंदे पर चढ़ते गए, बहनों ने भाइयों को कुर्बान कर दिया। और जब हम सारे लोग हिंदुस्तानी बनकर इस मादरे वतन के लिए, भारत माँ के लिए संघर्षरत थे। चांडिल अनुमंडल के दो क्रशर मशीन संचालन पर एसडीएम और सीओ ने छापामारी की और अवैध संचालन और बाल मजदूरी के तहत कागजात की मांग की है। चांडिल अनुमंडल में चल रहे दो क्रशर मशीन के यहाँ एसडीएम और सीओ ने छापामारी की। गागोडे स्थित दोनों क्रशर मशीनों में बाल मजदूरों को भी देखा गया। अधिकारियों ने मशीन और उत्खनन के कागजातों के साथ बाल मजदूरों का सर्टिफिकेट भी मांगा है। अनुमंडल के एसडीएम भगीरथ प्रसाद ने कहा कि कई क्रशर प्लांट है जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। इन हम लोग का टास्क है, हम लोग जांच निर्देश प्राप्त है, तो ये मैं जांच करते हैं सरकार के राजस्व की क्षति तो नहीं हो रही है। क्रशर्स हमने देखे हैं और दो जगह गए गए हम लोग, तो पेपर दिखाया है लोगों ने, एक जगह कुछ मजदूर मेरे कम उम्र के लगे तो उनके द्वारा बताया गया मालिक के द्वारा कि उम्र उनका 18 साल के अधिक, तो हमने सोमवार तक उनसे सर्टिफिकेट मांगा है। बारीडी के रहने वाले 35 वर्षीय कैलाश मुर्मू नामक व्यक्ति ने अपने आवास पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। बारीडी के रहने वाले पेशे से ऑटो चालक 35 वर्षीय कैलाश मुर्मू ने बीती रात अपने आवास पर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह स्पष्ट नहीं है। घटना से क्षेत्र के लोग आवाक हैं, क्योंकि कैलाश अकेला रहता था और उसकी पत्नी की भी 2 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परेशानी कुछ नहीं है घर में, ना ही घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ नहीं होता था घर में। कुछ बीमार उमार कुछ ऐसा नहीं, बीमारी भी ऐसा कल क्या ऐसा कुछ बात हुआ था नहीं? आया रात को 1 बजे आया, गेट खोल के दिए, हम पूछा है तुम्हें कहाँ गया था इतना देर, बोलता है शादी कर गया था, बोला तो नहीं पूछा, हम भी सो गया और भी सो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व गृह सचिव जीवी तुविद प्रमुख रूप से मौजूद थे। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चैंबर भवन में जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में चीन और विदेशी निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार पर चर्चा हुई, साथ ही देश में रोजगार और उद्योगों को बचाने पर एकमत हुआ।
सम्मेलन में पूर्व गृह सचिव जीवी तुविद प्रमुख रूप से तो लोगों को आम जनता को कहां पता है 7 रुपए की चाय मिलती है 7 रुपए देना चाहिए 10 रुपए में बेच के जाता है लोगों को 7 के जगह 10 रुपए कुछ सोचते भी नहीं है उसको क्या कर रहा है चीनी और क्या उसको चीज कहाँ है उसके देश घर में। स्वदेशी जागरण मंच हर वर्ष अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को लेकर के जिला सम्मेलन करती है। यह उसी का आयोजन आज है। यह 3 सत्रों में चलेगा। पहला सत्र है उद्घाटन सत्र में हमारे मुख्य वक्ता जो है वो श्री अजय पत्की जी हैं। वो स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख हैं और हमारे मुख्य अतिथि श्री जेवी तुबी जी हैं जो पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं। कब तक चलेगी यह कार्यक्रम? यह चलेगा 4:00 बजे तक। दूसरा सत्र में हमने एक विषय रखा है वैश्वीकरण के 25 वर्ष। इसमें हम लोगों ने बुलाया है व्यापारी संगठनों से, चैम्बर से प्रभाकर जी रहेंगे, विजय मिश्रा जी रहेंगे जो रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड के प्लांट हेड हैं, और इंदर जी रहेंगे। खंड से प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं। ये जिला सम्मेलन है। जिला में मतलब राष्ट्रीय प्रांत और जिला और विभाग, ये चारों संगठनों के चारों विभागों के कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ मौजूद हैं। देशी जागरण मंच को एक मजबूती प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान। अखिल भारतीय तैलिक महासभा द्वारा भामाशाह जयंती के मौके पर साक्षी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।